फाट पर मांग जात खाते हैं, ना लकड़ी है, ना चावल है, ना रहने का है, ना कुछ है बेटा। वोट का टाइम आता है तो सरकार वोट ले लेता है, और कोई गरीबी की रक्षा ना देखने आता है ना तकने के कैसे गरीबी जीता है, कैसे गरीबी मरता है। लालू जो से जेल कटने लगा तब से मोदी और नीतीश एकदम से कर दिया महंगाई। वहाँ जाते हैं तो डंटा से मरता, नहीं देंगे आपको मोटरी गटरी, हम लोग कहाँ जाएं। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मिराज मलिक। देखिए गरीबी जो है चरम सीमा पे है, लोग कैसे गुजारा करते हैं आज आपको उसकी हकीकत हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दलित बस्ती में ये आपको हज भवन के पीछे लोगों को बस्ती उजाड़ के फेंका गया था। छोटे छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, सरकार ने उनका ख्याल किया नहीं, उनको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। अभी हम मौजूद हैं वीरचंद पटेल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और बस्ती है, यहाँ पे लोग हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार जो है इनको भी आने वाले वक्त में उखाड़ कर फेंक सकती है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जब आपको फेंक नहीं है तो इनको बसने क्यों दिया जा रहा है? आप बसने के पहले इनको बेघर करिए, जब बस जा रहे हैं तो फिर इनको बेघर क्यों करते हैं? अब इनसे जानते हैं और बातें करते हैं कि इस सड़ी गर्मी मतलब तपती हुई गर्मी में इनका गुजारा कैसे हो रहा है। क्या नाम हुआ चाची आपका? सुभगनी। कैसे गुजारा होता है आपका? कैसे गुजारा होता है, फुटपाट पर मांग जात खाते हैं, ना लकड़ी है, ना चावल है, ना रहने का है, ना कुछ है बेटा। मांगने पर जाता है बूढ़ा पुरानिया तो खाते हैं, नहीं जाते झोपड़ी में सोते, ठंडी नहीं है यहाँ, ठंडी नहीं है वहाँ, ठंडी नहीं यहाँ, धूप आए तो वहाँ बैठ लेते हैं, वहाँ धूप आए तो वहाँ बैठ लेते हैं, ऐसे कर गुजारा करते हैं। हे बउआ, ना लकड़ी है, ना चावल है, ना कुछ है, ना गए चूल्हा, रहने के ठंडी कुछ नहीं। खाना पीना का व्यवस्था कुछ नहीं बेटा, कुछ ना होता, मांगने ही जाएंगे कुछ, कुछ गरीब आदमी तो कुछ खाएंगे, नहीं जाएंगे तो सोता पड़े रहेंगे मोहल्ला में जाकर। हाँ बेटा, कुछ हम लोग ना नौकरी मिलता है, ना चाकरी मिलता है, ना कुछ भी मिलता है, क्या करें। सरकार के तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं बेटा, कोई मदद नहीं, एकदम सरकार हम लोग को आँख दिखाइए नहीं देता है। वोट का टाइम आता है तो सरकार वोट ले लेता है, और कोई गरीबी की रक्षा ना देखने आता है ना तकने के कैसे गरीबी जीता है, कैसे गरीबी मरता है, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई देखने नहीं आता है बउआ। कोई गरीब को बड़ा राजा रठी आया तो कोई रोटी पूरी बांट के चल गया, वो भी खा लें, और कोई देखने तकने नहीं आता, गरीब मरा है कि जिया है कि भूखा है कि प्यासा, कोई नहीं देखने। बाल बच्चा? बाल बच्चा सब इसी तरह है, सब इसी तरह, इसी तरह बेटा। रोजगार में है कि ऐसे ही? कुछ ही नहीं रोजगार है बच्चा। क्या काम करता है सब? वही बाल बच्चा है तो घर रहता है तो कुछ घर हूँ है तो अपना कुछ कुछ करके खाता है, यहाँ पर है तो कुछ करे के मांग जा के खाते हैं बेटा, और कुछ हम लोग को देखभाल नहीं करता है बेटा, कोई देखभाल नहीं, सरकार कोई ध्यान नहीं, कोई नहीं ध्यान देता। अच्छा आप एक बात बताइए चाची, आपका उम्र कितना हो गया? उम्र होगा 40-45 बेटा। लालू जी का सरकार तो आपने देखा ही? हाँ देखा। तो आपके हिसाब से कौन सरकार बेहतर था, लालू जी का था कि नीतीश कुमार का? लालू जी का था। लालू जी का, लालू जी के सरकार में गरीबों का कुछ था सहारा? हाँ बउआ, सहारा जरूर, हम लोग का सस्ती था, महंगी नहीं था, सब कुछ सस्ता था, चावल दाल आटा आलू दाल 35 रुपये आलू है, 2 रुपया नमक, अब तक 5 रुपया नमक हो गया, 10 रुपया नमक हो गया। लालू जो से जेल कटने लगा तब से मोदी और नीतीश एकदम से कर दिया महंगाई, तो गरीब 100 रुपया 200-500 कमाइबे करता है, तो दुख में लगाएगा कि सुख में लगाएगा कि दाल चावल खाएगा, बोलिए बेटा। घर परिवार का खुद खाएगा कि गुजारा गुजारा करेगा कि दुख में मार बाल बच्चे ऊपर गया तो सब उसी में लग गया, वो कहना है। तीन वक्त का खाना नसीब होता है? कुछ नहीं बेटा, ये दो वक्त का नहीं मिलता, तीन बस तो ढेर है बेटा, दो वक्त का नहीं होता बेटा, झूठ कहा बोले। क्या बोल रही है चाची? होटल से तनी मनी कहीं से बाल बच्चा लाता है तो खा लेते हैं, ये झोपड़ी देख रहे हैं कैसा टूटा फूटा, आता है उजाड़ के बेच देता है, मारने चलता है। कौन मारता है? वही इनकम, कौन बोल, नगर निगम वाला, नगर निगम मारने मोटरी लाद के ले जाता है, वहाँ जाते हैं तो डंटा से मरता है, नहीं देंगे आपको मोटरी गटरी, हम लोग कहाँ जाएं, खाने बिना तो मर रहे। तो सरकार के तरफ से भी कोई जो है फायदा नहीं, नहीं मिला, कोई मदद नहीं है। 20 बरिस से यहाँ मैं, 20 बरस मेरी लड़की उससे बड़ी मेरी लड़की है, उसको यहीं जन्म है, यही आरे ब्लॉक में, आर ही ब्लॉक में। तो आप लोग पूरा जिंदगी फुटपाथ पे ही काटा? फुटपाथ पर है, क्या करें, इसी पे काटा, शादी ब्याह कहीं में कर लेते हैं, कहीं कर देते हैं, क्या करें, यहीं माड़ो ताड़ो गाड़ के ब्याह कर देंगे।
और सरकार देखता है बेटा, कोई धूमधाम से करता है, हम लोग गरीबी इसी तरीके से। क्या बोलिए चाची? कहे कि कोई शादी धनी आदमी धूमधाम से कर लेता, हम लोग का गरीब कुछ नहीं है तो अपन किसी तरह गरीबे गरीब में कर लेते हैं, मारो इसी जगह कर लेंगे, दो गो बराती बोला के इसी जगह कर लेंगे शादी, तब वो गुजर नहीं है बेटा, अब वो नहीं गुजर है बेटा, अब क्या करें बच्चा, अब तलमल तलमल जीव करता है, घाम में अपना देह कहाँ छिपावे कि ठंडी हम लोग का मिल जाए, यहाँ पर रौदा आ गया तो उस गाछ तर जाएंगे, उस गाछ तर घूम धूपा हो गया तो उस गाछ तर जाएंगे, उस गाछ तर होगा तो उस गाछ तर, इसी तरह दौड़ का दिन बिता लेते हैं बेटा, उखाड़ देता है कुछ नीतीश कुमार कुछ नहीं। अच्छा तो सर कभी कोई अधिकारी मिलने आया? कोई नहीं पूछने तक नहीं कुछ नहीं गुजारा कैसे हो रहा। आप पूछ रहे हैं तो कुछ लोग हम लोग का कुछ कर देते तब ना कहते बेटा कि कर दिए, कुछ नहीं होता, ऐसा दो तीन बार हो गया बाकी कुछ नहीं। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि इन लोग का जो गुजारा है वो नहीं हो पाता है, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो। जिस तरह से अभी मौसम विभाग का अलर्ट भी आया था, साफ तौर पे कहना था मौसम विभाग का कि टेम्परेचर जो है बिहार में 46 डिग्री पार कर सकता है, तो 12 से 3 घर से ना निकले, और ख़ास कर बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो हिफाजत फरमाए खुद की और घर से ना निकले। मगर आप देख सकते हैं ये बस्ती एक बार देख लें, जिस तरह की धूप की तपिश है, जिस तरह से मौसम जो है आपको 46 डिग्री का पारा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ये लोग का कैसे गुजारा होगा, ये लोग कैसे गुजारा करते हैं, कौन ये लोग को पूछेगा, सरकार तक पूछे नहीं आती है। लोग यहाँ 3 वक्त खाना खाते हैं, इन लोग को 2 वक्त का भी खाना सही से नसीब नहीं होता। एक चीज़ आपको और दिखाएंगे, बट पहले इनसे बातें कर लें, कभी गैस वगैरह मिला आप लोग को सरकार की तरफ से, कोई मदद मिला है? कोई गैस उसका कोई सुविधा नहीं है, तो खाना कैसे बनाती है? चूल्हा है। अच्छा चूल्हा पे खाना बजा रहे हैं? इस चूल्हा पर क्या बोल रही है? लकड़ी वकड़ी बीन चुन के हम लोग खाना बनाते हैं, छोटा छोटा बच्चा के जिलाते हैं, हम लोग के सरकार यही दे देता कि ऐसी जगह पर जीवन आप लोग बिता लो, चाहे भीख मांग के खाओ चाहे कुछ कर, लेकिन यही जगह से नहीं हटाए तब तक, मतलब जगह आप लोग को मिल जाए रहने के लिए कम से कम, बाकी आप लोग कैसे भी जिंदगी कटाएंगे वो लोग, हम तो भगवान ऊपर जन्म दिया तो जिंदगी कटेगा अपना कट लेते, बाकी जगह हम लोग पहुँच दिला। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे भी काट लेंगे, मगर सरकार जो है इनको कहीं जगह दिखा दे। अब आपको बता रहे थे जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं वो ये चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए यही चूल्हा है जहां ये लोग जो है खाना बनाती हैं, लकड़ियां चुन कर लाती हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि गरीबों को हम फ्री में गैस चूल्हा दे रहे हैं, मगर सारा दावा उनका यहाँ आके फेल हो जाता है। आप देख लीजिए, यही इनके लिए गैस है, यही इनके लिए चूल्हा है, यही लकड़ी, ये लकड़ी से ये लोग जो है खाना बनाते हैं। अब सोच सकते हैं आप कि ये लोग कितनी तकलीफ़ में है और कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अगर ये लोग को एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये लोग को गैस चूल्हा भी मिलता है तो जिस तरह से गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, वो गैस कहाँ से भरवाएंगे? मतलब सरकार एक तरफ से झुनझुना पकड़ा देती है और दूसरी तरफ से बोलती है कि बजाते रहिए ज़िंदगी भर, झुनझुना बजे या ना बजे, खेलना आपको इसी से है। अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनको भी यहाँ से उजाड़ दिया जाए, ये बस्ती को भी खाली करवा दिया जाए, क्योंकि अभी भी हजबन के पीछे खाली करवाया गया है और सरकार जो है इस तरह से बस्ती जो है लगाने नहीं देगी। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ को देखना चाहिए, और जब तक गरीब के साथ नहीं बैठिएगा आपको ये महसूस नहीं होगा कि गरीबी क्या होती है। आप दूर से भले बोल सकते हैं कि हमने ये किया वो किया, मगर गरीबी आपको महसूस नहीं होगा। वो महसूस करने के लिए इनके साथ आपको बैठना होगा, इनसे पूछना होगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, किस तरह से घर चलता है, किस तरह से आप लोग बाल बच्चे को पढ़ाते हैं। हालांकि ये लोग बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी करवाते हैं चाची, बाल बच्चे को या नहीं? पैसा रहेगा तो कब ना पढ़ाएंगे बेटा, कैसे पढ़ा? सरकारी वही पढ़ाते हैं, सरकारी में वही बेटा। हाँ बेटा, चाहते हैं कि बाल बच्चा पढ़ के बड़ा बड़ा हो जाए, प्राइवेट में चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के आगे निकल जाए, लेकिन प्राइवेट के पैसा रहेगा तभी तो बेटा, कापी किताबी इतना महंगा हो गया, सब कुछ मांगा तो खरीद नहीं पाते हैं कि सरकारी के प्राइवेट में बच्चों को लगावें, ऐसे पढ़ावें, सरकारी में पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं इनके भी सपने हैं कि अपने बाल बच्चे को पढ़ाएं और बड़ा जो है इंसान बनाएं, मगर कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर ये लोग का भी सपना जो है वो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत